ആപ്പ്ക്ക് ഷൂ കെട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബാബയ്ക്ക്. ഈ ഒരു വ്യക്തിയില്ലേ, ഈ ഒരു ബാബ നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഷിയാബ്ക്ക് അത് ഷൂ ഒക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ഇതാണ് മൂപ്പര വണ്ടി. ഈ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ സോളാർ പാനലുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് മൂപ്പര ബാഗ്, സാധനങ്ങൾ, മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. വണ്ടി എന്താ പറയുക, ആക്സിലേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് പോവുക. അപ്പോൾ ഷിയാബ്ക്ക് മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഷൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഷൂ ഷിയാബ്ക്ക് തന്നെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചോട്ടി ഇതാവും പക്ഷേ बाबा आप यहाँ आए से पहले माशाल्लाह अभी 10 दिन पहले आए, मुलाकात हुई खुसूसी तौर पे शाह भाई की खिदमत के लिए. आप आए थे कि साथ सफ़र शुरू करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी लास्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई और अभी आप अपने कागजों के लिए गए थे तो अल्लाह ने आपकी कोशिश तो पूरी करी. तो इंशाल्लाह हम लोग भी दुआ करेंगे आप लोग यकीनन मदीने में जाके हज के दौरान दोनों जने इंशाल्लाह फिर वहाँ पर हों और सबके लिए दुआएँ करें. आपको कैसा लगा भाई से मिलके वो बताइए. भाई मेरे को श्याम भाई से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा. उनने जो सफ़र शुरू किए हैं अल्लाह उनके सफ़र को पूरा करे, हज नसीब फरमाए और जैसा उन्हें नेक बनाया है परवरदिगार ने ऐसे ही सबको बनाए, है ना. और दुआ है मेरी कि परवरदिगार उन्हें हज नसीब फरमाए, जल्दी से रास्ते हमवार कर दे, है ना. मैं भी सफ़र कर रहा हूँ यहाँ से पूरे इंडिया में मक्के मदीने का सफ़र जितना चलना था उतना पूरा करके बॉम्बे पहुँचे, सफ़र पूरा करके फिर फ्लाइट से मैं भी पहुँचूँगा हज करने, जहाँ से आप भाई के साथ मैं भी हज करूँगा. अच्छा, वहाँ से फिर इंशाल्लाह फ्लाइट से निकलेंगे. हाँ ठीक है, मतलब दिल में यही तमन्ना है कि श्याम भाई के साथ में ही हज हो, हज हो माशाल्लाह. अल्लाह पाक ज़रूर कबूल. हाँ, और जो भी देखने वाले हैं वो भी दुआ फरमाएँ कि जो हम लोगों की सोच है, जो तमन्ना है दिल में हज करने की पैदल, वो पूरी हो इंशाल्लाह ताला. सबको अस्सलाम वालेकुम. आपके जिक्र हो गया था ना, वो क्या हो, आपके बाबा आपके जज्बे को सलाम करते हैं. माशाल्लाह इस उम्र में 67 उम्र की उम्र में आप निकलें और पैदल निकलें, ये भी एक जज्बा है. अल्लाह ने आपको भी हिदायत दी, अल्लाह ने आपसे भी खिदमत ली, अल्लाह ने आपको भी इस राह पे चलाया. अल्लाह पाक उसको ज़रूर कहीं ना कहीं उसका असर आपके लिए भी तैयार रखा होगा और हम लोगों को खिदमत का आपका भी मौका मिला माशाल्लाह. जब आप अभी यहाँ से एम्बेसी गए, अपने कागजों के लिए गए एम्बेसी गए, तो मतलब किस तरीके से वहाँ पर किस किस तरीके से आपने वहाँ पर एम्बेसी में रहा, किस तरीके से बातचीत हुई, क्या हुआ. भाई पहली बात तो मैं एम्बेसी में गया, सबसे पहले तो वहाँ पर पहले तो ये कहा गया कि भाई एक अकेले आदमी को पैदल जाने का वीज़ा देते नहीं, सारे वीज़े हम एजेंट को देते हैं, आप उनसे संपर्क बनाए. जब हमें वहाँ से नंबर मिला एजेंट का, एजेंट से बात हुई तो एजेंट ने हमसे ये बोले कि आप अपने राहुल क्या आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके जबलपुर के बात करूँगा, ये अल्लाह ताला. पहले कैसे प्लान था, कहाँ कौन सा रूट में जाने का प्लान, पहले आपने मतलब क्या सोचा था, पहले आपने इसी रास्ते का सोचा था जाके. हाँ पहले हमने इसी रास्ते से हज करने का सोचे थे, है ना. कौन सा रास्ता,
ये बाघा बॉर्डर होते हुए फिर ये पाकिस्तान जाते, ईरान जाते, इराक जाते, कुवैत जाते, फिर सऊदी अरब, मक्का मदीना तक पैदल जाते। लेकिन वो थोड़ा सा बस यही रहा कि कागजों की थोड़ी देर से मालूमात पता चली ताकि उसको देर से तैयार होने पड़े, तो जिसके करके जो टाइम जो था वो कम था, ये भी एक वजह हो सकती है। नहीं, वजह तो मेरे को इसका पूरा प्रोसीजर के बारे में मालूम था। हाँ। कि पहले आप पासपोर्ट बनाए, पासपोर्ट बनाने के फिर आप अपना बाड़ा तक करीब पहुँचे, फिर जब हफ्ता 10 दिन रह जाए उसके बाद वीजे की अप्लाई करें। हाँ। तो एक के बाद वीजे मिलने लगते। सबसे पहले असल में यही थोड़ी सी मालूम की रही, क्योंकि ये साथ में ना कागजी कार्रवाई चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, अल्लाहबाद में ज़रूर इस चीज़ को रखना है। और अब आप क्या भाई कि आज की जो रवानगी के टाइम पे माशाल्लाह अपने फिर अगले सफ़र के लिए जब आप निकल रहे हैं, तो आज आप श्या भाई के लिए क्या कहेंगे, क्या दुआएं देंगे श्या भाई को? और आज की मुलाकात, खासकर ये सुबह की मुलाकात है जो नाश्ते के बाद की, उनके साथ का जो वक्त है जो एक घंटा तकरीबन आप लोग सब साथ हैं, माशाल्लाह हम लोग सब साथ में हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? भाई आज की जो मुलाकात है जाने की, तो इस वक्त जाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कोई ख़ास चीज़ जुदा हो रही है ना, तो इंशाअल्लाह ताला जुदा होना फिर मिलने के लिए तो होता रहता है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि श्याप भाई का जो सफ़र रुका हुआ है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए और वो मक्का मदीने का हज मुकम्मल कर लें। बाबा मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, क्या आपको यकीन आ रहा है? क्या आप लोगों को जब बताएंगे कि श्याप भाई ने खुद आपको आज तैयार किया, तो क्या लोग यकीन करेंगे इस बात पे? क्योंकि आप तो उसके चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि श्याम भाई ने खुद आपको आज माशाल्लाह तैयार किया है। हाँ, अब क्या है कि अब बताने का काम अपना, यकीन करने का काम लोगों का है, अगर करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। आपको कैसा लगा जो श्याम भाई ने आज खुद आपको तैयार किया? हमें सफर के लिए बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपसे बस इसी तरह दुआओं की दरख्वास्त है और ढेर सारी दुआएं जो है आप अपने सफर में हर कदम पे चलते चलते सत्तर गुना जो है वो आपकी कबूलियत और सवाब है उसका, तो आप हर कदम पे जो है दुआ करें, अपने लिए भी करें, श्याम भाई के लिए भी खुसूसी तौर पर करें। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इनका भी सफ़र हो शुरू हो, ताकि हम लोग यही दुआएं करते हैं कि आप लोग दोनों जो हैं इंशाअल्लाह अगले हज में 2023 के दोनों जने फिर वहाँ पे मदीना में एक दूसरे को मुलाकात। अभी तो नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान है क्या नाम भाई का पूरा, तो उसके अंदर यहाँ से जलंधर, जलंधर से लुधियाना, लुधियाना से पटियाला, उसके बाद में होते हुए ये ऑलमोस्ट इनको अभी 3 महीने लगेंगे इनके नेटिव प्लेस जबलपुर पहुँचने में। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं घर से बाहर कहीं स्टे करूँगा, क़याम करूँगा, ताकि मोहल्ले में भी, यानी कि जो अपना जो विलेज है वहाँ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अहद करके, ये दिल से अहद करके मान के निकले थे कि मैं हज पे ही निकलूँगा। लेकिन चूँकि अब यहाँ से बॉम्बे तक का सफ़र जो है वही है, तो ये जो है घर से दूर स्टे करेंगे, मोहल्ले से भी यानी अपने इलाके से भी बाहर करेंगे, जो भी रिश्तेदार भाई बहन बच्चे मिलना चाहें तो वहाँ पे इनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही अगला सफ़र जो जितना है वो पैदल जो अहद करके जो सोच के निकले थे, जो एम अपना निकले थे, वो सफ़र पूरा करके श्या भाई से फिर मुलाकात करके इंशाल्लाह वहाँ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद जो इनका अगला हज के लिए सफ़र जो है ना बाई एयर का होगा, तो उस वक्त भी आप श्या भाई से ज़रूर बात करना, उनको बताइएगा। तो नेक्स्ट बाई एयर तो मुंबई। हाँ, ये मुंबई से बाई एयर जो है हज के लिए आगे का सफ़र इंशाल्लाह तय करेंगे, उसके लिए हम सब बहुत दुआ करेंगे। और बाबा आप भी दुआ करें सब, और इंशाल्लाह बताएं ज़रूर कि अब आप वहाँ से हज के लिए बाई एयर निकल रहे हैं इंशाल्लाह। फ़ोन तो करता रहूँगा जी, जहाँ जहाँ भी रहूँगा आपको बताता रहूँगा, अपना लोकेशन देता रहूँगा। जी जी भाई, एक बार गाड़ी जी जी मैं एक बार पूरा मैं खुद श्या भाई को ही बुलाऊंगा, श्या भाई खुद ही एक्सप्लेन करेंगे सारा, श्या भाई खुद एक्सप्लेन करेंगे गाड़ी के बारे में पूरा। इसमें ऊपर है क्या? सोलर सिस्टम। जी हाँ, पूरा इसको श्या भाई ने देखा और आज भी पूरा इसको देखा, माशाल्लाह गाड़ी इनकी 10 से 15 रोज तक यहीं पे थी, जब तक बाबा जो है अपने पेपर्स को तैयार कर रहे थे। जैसा कि श्या भाई ने बताया था कि आप ऐसे 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 करके अपनी अपनी अगली कार्रवाई करो, चूँकि थोड़ा हम लेट हो गए, लेट मालूमात का पता चला, क्योंकि तकरीबन 2 साल 2.5 साल से श्या भाई खुद अपने पेपर्स के लिए तैयार कर रहे थे, उन्हें सबको पता था किस तरीके से कैसे तैयार किया जाता है। गाड़ी माल हिफाजत में पूरी यहीं बाबा की रही, आज बाबा उसी गाड़ी से फिर दोबारा अपना सफ़र तय कर रहे हैं, जिसके ऊपर माशाल्लाह ऊपर सोलर लगाया गया है, सोलर पैनल से इसलिए लाइट कम हो, इनके हॉर्न में इतनी नहीं हो या फिर लाइट आगे ना दिख रहे हो, चलना मुश्किल हो, तो इस फॉर्म को इस सोलर पैनल के नीचे करके उसको इंक्लाइन करेंगे,
ताकि जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो रोड पे चलने वाले जो वाहन हैं, उसकी रोशनी से कुछ ना कुछ ये और रिचार्ज हो, ताकि इनको बैटरी, हॉर्न और लाइट का कुछ ना कुछ इनको एनर्जी मिल सके, तो अगला सफ़र ये तय कर सके। माशाल्लाह बहुत इरादे से, मजबूत बुलंद पक्के इरादे से शाह भाई से मुलाकात के लिए निकले हैं। और बैटरी, हाँ है तो बैटरी से, लेकिन पूरा इसको इन्होंने इस हिसाब से माशाल्लाह तैयार किया गया है कि पूरा इसके लिए एक्सीलेटर है, पूरा इसका जो जो आपका ब्रेक सिस्टम है यहीं पर पूरा सारा किया हुआ है, ताकि एक ज़्यादा स्पीड भी ना हो, क्योंकि उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी ना स्पीड हो सके। यही इनका माशाल्लाह हॉर्न वगैरह सारा पूरा कंप्लीट है, लाइट वगैरह का पूरा इनका दिया हुआ है, ताकि आगे जो पैदल चलते टाइम जो है एक दूसरे को ओवरटेक करने वाले जो वाहन है वो भी इसको देखें। रिफ्लेक्टर्स वगैरह पूरे लगे हुए हैं। एक आध इसमें ज़रूर कमी इसमें ये थी कि इसके अंदर जो था वो अभी किलोमीटर वो चीज़ें नहीं हैं, तो कुछ हमारे ये भी है, लेकिन ये अंदाज़ तो वैसे भी लग जाता है कि सफ़र अमृतसर के इसको खासा आफिया स्कूल से शुरू करें, आफिया किड स्कूल से शुरू करें खासा से, तो इतना तो देखने वाले व्यूवर्स को भी पता चल जाएगा कि माशाल्लाह यहाँ की लोकेशन है और यहाँ से अब कितने किलोमीटर हर एरिया पड़ रहा है, जलंधर कितना है, लुधियाना कितना है, और बाई रोड इन्होंने निकलना, ऑलमोस्ट जलंधर बाई रोड जो है तकरीबन 100-110 किलोमीटर है, फिर लुधियाना ऑलमोस्ट आपका 200 किलोमीटर है, तो ये तो सब किसी को पता है कि यहाँ से कितने किलोमीटर्स है। और फिर वही चीज़ के कमाल है इस जज्बे को 67 साल की उम्र में वो किस तरीके से मोहब्बत से शाह भाई के दीदार के लिए, उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए कितने मतलब बेसब्र थे, और अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी मुलाकात कराई। शाह भाई ने खुद आज बाबा को पूरा तैयार करा, सारा कुछ करा, हर चीज़ उनके सफ़र के लिए उनको समझाई, सारा कुछ किया। माशाल्लाह एक घंटे से वो उनके साथ में रहें। और अभी ऐसा पैदल? जी हाँ, अभी बिल्कुल पैदल इसी तरीके से गाड़ी मूव होगा बाबा पैदल? जी जी, बाबा ने पैदल ही चलना है, क्योंकि गाड़ी में कहीं भी बैठने का प्रोविज़न नहीं है, बैठने का प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न नमाज वगैरह का सारा है, उनकी जानमाज है, पानी है जिसके लिए, वज़ू के लिए उनके पास में सब कुछ है, बट उसमें बैठने का कहीं प्रोविज़न नहीं है। तो व्यूवर्स देखने वाले बिल्कुल ये ना समझें कि थोड़ा थक जाएंगे तो गाड़ी बैठ के चला लेंगे, ऐसा कहीं उसके अंदर प्रोविज़न नहीं है। चलना बाय फुट ही है, पैदल उसको लेके चलना है उन्होंने। और बस यही तमन्ना उनकी थी कि श्याम भाई का इसमें सामान, श्याम भाई का जो बैग है वो हम श्याम भाई को नहीं उठाने देंगे, उनका जो सामान इस पर रख के ही चलेंगे। तो यहाँ से तो नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह पाक इनको ज़रूर इनके इरादों को, मजबूत इरादों को मदीने में मुकम्मल कराएगा, वहाँ इंशाअल्लाह से आप भाई से फिर ज़रूर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। नहीं हो सकता है ना, अभी से आप भाई का बैग थोड़ा रख दें, रख के मैं थोड़ी दूर ले चलूँगा तो कम से कम मेरी तसल्ली हो जाएगी, मैंने इनका सामान रख के इंशाअल्लाह। और मैं जहाँ भी रहूँगा जुमेद भाई को लोकेशन देता रहूँगा इंशाअल्लाह। चले बेटा, दुआ में याद रखिएगा बाबा, अल्लाह हाफिज़। गेटले അങ്ങനെ നമ്മളെ ബാബ പോവാണ് കേട്ടോ സാബിത്ത, ബാബ അങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടോ।